जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। गुड मॉर्निंग साथियों, मेरा नाम राजकुमार यदुवंशी, आप देख रहे हैं आपका अपना PVR स्टडी। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपका DLED का सेकेंड सेमेस्टर मैथ, जो कि आप सप्ताह में 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे देखते हैं। तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना, गुणा एवं भाग। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर होगा 4। ठीक, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक आपको दिखा दिए हैं, कोष्ठक का वर्गीकरण तथा परिचय, कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट्स, आप शांति से बैठे रहिए। ठीक, उसके बाद आगे क्या पढ़ेंगे, कोष्ठक के नियम, उसके बाद बोर्ड मास रूल, और फिर आगे क्या चलेगा, इसी के बारे में कुछ ढेर सारे सवाल करेंगे हम लोग। यहाँ पर कुछ और भी प्राणी उपलब्ध होते हैं जो कि काफ़ी समस्या भी करते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो देखिए, कोष्ठक का वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकट्स को कैसे पहचानते हैं, पहले ब्रेकट होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। देखिए, इसकी परिभाषा से तो कोई मतलब है नहीं साथियों, लेकिन मतलब हमसे ये है कि कोष्ठक कितने प्रकार का होता है ये हमें देखना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, कोष्ठक का परिचय हमें सिखाना है आपको। तो आप लोग जल्दी से फट से रेडी हो जाओ कॉपी लेकर के। ये देखो, हमारे पास कुछ सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, उसमें से हम आपको दिखा देते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से। कोष्ठक वैसे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे, पहले आप करिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मुख्य रूप से जो होते हैं, ये पहला, इसे बोलते हैं बड़ा कोष्ठक, इसे मझला कोष्ठक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, छोटा कोष्ठक बोलते हैं, इसे रेखा कोष्ठक बोलते हैं। अरे ये सीधा होता है, मतलब पड़ी लाइन नहीं होती है, ये ऐसे होता है, मतलब मेरा नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, एकदम सीधा बस। ठीक, तो ये प्रकार के आपके कोष्ठक हो गए। ध्यान देना इसमें और एक बात जो कि आपको ध्यान देने लायक है, वो क्या है कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे इनका उपयोग करते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ध्यान देना, एक मिनट बस रुक के थोड़ा सा। हाँ, बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, व्यंजकों को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, इसके बीच अन्य कोष्ठकों को लिखा जाता है, संख्याओं को कोष्ठकों में रख कर घटाना जोड़ना तथा अन्य क्रियाएं साथ में करते हैं। उसके बाद आता है जो अगला कोष्ठक, हल करने के नियम। देखिए, यहाँ पर एक बात आपको बता दें, ध्यान से समझना, कोष्ठक ये जो भी प्रकार के हैं ना, इनका एक क्रम होता है। वो क्रम क्या होता है कि अगर कहीं भी ये सवाल में प्रयुक्त हैं तो ये कुछ इस तरह से होंगे। सबसे बाहर जो है वो सिक्योरिटी के लिए बड़ा कोष्ठक होगा, उसके अंदर मझला कोष्ठक होगा, और उसके अंदर छोटा होगा, और सबसे अंदर में अगर होगा तो रेखा कोष्ठक होगा। ये सीरियल होगा हर एक सवाल में, अन्यथा सवाल गलत है, किसी भी तरह का कोई सवाल ऐसा होता नहीं जिसमें ये रूल ना फॉलो हो। और हाँ, अगर आपको बता दें कि ये कहीं कोष्ठक ऐसे लगा है, ऐसे है, बाहर ऐसे बंद है, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है, चूँकि बड़ा ब्रेकट के बाद में कोई ब्रेकट नहीं होता है, समझ गए। तो हम चलते हैं बोर्ड मास रूल पर। देखिए, क्लास छोड़ के मत जाना, ये जानकारियाँ आपके काम की बता रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त देना अगर सीखना है तो, ठीक ना। देखिए, ये तो सारी किताबी कहानियाँ हैं जो हमने आपको बता दिया, अब इसमें हम लोग सवाल भी करेंगे बोर्ड मास रूल के। पहले देखेंगे बोर्ड मास रूल का मतलब होता क्या है, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताएंगे। जोड़ घटाना गुणा एवं भाग के चिन्हों का जो रूल है, इसमें अब और आगे कुछ बचा है नहीं, अब हम देखेंगे बोर्ड मास रूल। ठीक है, देखो कोष्ठक का परिचय हो गया, उसका नियम आपने जान लिया, अब देखते हैं बोर्ड मास रूल। देखो क्या होता है, बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास, इसमें एक एक लेटर का अलग अलग मतलब होता है। क्या होता है, अलग अलग मतलब होता है। इसको अगर हम ऐसे ऐसे लिखें खड़े खड़े में तो आपको अच्छा से समझाना बेहतर रहेगा। ये ऐसे लिखो, BODMAS, बोर्ड मास,
बी मतलब होता है कोष्ठक यानी कि ब्रेकट, कोष्ठक जिसे बोलते हैं ब्रेकट। ओ मतलब होता है का, इंग्लिश में होता है ऑफ। अभी ध्यान से देखना, सब बताऊंगा एक तरफ से। डी का मतलब होता है भाग, डी मतलब डिवीजन, ठीक, इंग्लिश वर्ड से लिया जाता है ये, इंग्लिश वाले वर्ड से। यम का मतलब होता है मल्टीपल, इंग्लिश में बोलते हैं गुड़ा। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना, वैज्ञानिक नहीं मतलब जोड़। यस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना। देखो मतलब समझना, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। बोर्ड मास रूल जो है वो इसी नियम के मुताबिक वर्क करता है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोष्ठक भी है, ऑफ भी है, भाग भी है, गुणा है, जोड़ घटाना सब कुछ दिया है, तो सबसे पहले आप कोष्ठक हल करोगे, उसके बाद ऑफ वाला पार्ट हल करोगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ये करते हैं। ये होता है बोर्ड मास रूल, जो कि सिंपल क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो चलिए इसमें का हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे से, प्यारे प्यारे से, नन्हे नन्हे से। आप लोग रेडी हो जाओ कॉपी पेन ले करके, और एक बात याद रखिए, अगर डेली क्लास देखना है, कंप्लीट पढ़ना है, तो आप क्लास को ज्वाइन अवश्य करिए। ये आपकी समस्या को देखते हुए हम आपको हर दिन बताते हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसका रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमें डेली क्लास नहीं मिलती है, हम पूरा कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो पिछली साल की तरह आप लोगों को इस साल भी पूर्णांक लाना है सेमेस्टर में, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो आपका, ठीक ना। तो इसलिए आप अभी शुरू से ज्वाइन कर लो, अभी टाइम है, बहुत टाइम है। और मैथ को हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि घोल के पिला देंगे एक प्रकार से, कभी भूलोगे नहीं, एक भी टॉपिक नहीं भूलेगा, एक नंबर नहीं कटेगा परीक्षा में, अगर हमारे अकॉर्डिंग पढ़ लोगे तब। और नहीं यकीन है तो देख लो दो चार क्लास, डेमो देख लो ना। आगे देखिए क्या है, तीन माइनस, क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, कॉपी पेन लेकर बैठिए, हमारी हर एक बात को फॉलो करेंगे तब हम जिम्मेदार हैं कि आपको पूर्णांक मिलेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप जानो आपका काम। हम क्वेश्चन नोट करवा रहे हैं, आप लोग मोबाइल में देख रहे हो, यूट्यूब खुला हुआ है, ऊपर से किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, आपका दिमाग उसमें लगा हुआ है कि कहाँ आ रहा भाई, चलो रिप्लाई कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं, और फिर रिप्लाई करके आए, फिर देखने लगे, और फिर आ गया फट से। अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक ना। तो इस तरह से पढ़ाई फिर जो है वो होने वाली नहीं है। हाँ बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन समझ जाओ बात को। तो ये छोटा सा सवाल है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक हल करेंगे, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। इसमें रेखा कोष्ठक है नहीं, पहले कोष्ठक करेंगे, बाद में जोड़ घटाना गुणा भाग। तो छोटा कोष्ठक तक हम पहले जो कुछ है वैसे लिख लेंगे, इसमें कोई भी बदलाव बिना करे हुए। ये दो माइनस, इसको हल करने का मतलब है कि इसमें इसको भाग करो, ठीक है। और भाग करने का ये मतलब होता है, आज हमने एक नया रूल देखा हुआ है कि गुणा का चिन्ह लगा करके इसको पलट दो, ठीक है, ये होता है, ये क्या हुआ, इसका नियम हुआ, ठीक। अब लास्ट में फाइनल में क्या हो जाएगा, ये ऐसा क्यों हुआ, चूँकि जो लिखा है 6/2 लिखा है, इसका मतलब 2/1 लिखा है ना, और आपने भिन्न में पढ़ा, हमने आपको बताया भाग का चिन्ह हटा के क्या करते हैं, गुणा लगाते हैं, तो भिन्न पलट जाती है, तो वैसे इसको पलट दिया। अब इसको आप एक लाइन में और देख लेना, और वो क्या करेंगे हम लोग, गौर से देखना। वैसे तो इसको काई लाइन में झिलाना अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन रूल जो है वो बड़ा गड़बड़ रूल है। आप एक एक पॉइंट कई लाइन में करो, सवाल जो है एक लाइन का है, लेकिन उसको लगाओ 8 लाइन में, ये बोर्ड मास रूल है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये तीन माइनस क्या करोगे, ये हो गया दो। देखो ये बहुत सुंदर हमसे कभी बना नहीं लाइफ में, आप लोग बना लेना, कोशिश करना। ये कट जाएगा, कितना आएगा, तीन, तो ये हो जाएगा 2-3। अब देखो वो कोष्ठक ख़त्म हो गया, चूँकि इसका काम ख़त्म, अब 2-3 हो गया है ना। अब क्या करोगे, इसका रूल तो ये भी था कि अभी एक बार हम इसको तीन और लिखते एक कोष्ठक में अगले, लेकिन अब नहीं लिखने वाले, ऐसे कर देना, कोई गड़बड़ नहीं। तीन माइनस, अब देखो इसको क्या करोगे, जब आप घटाओगे तो क्या आएगा मालूम है, उल्टा घटेगा ये, तो ये -1 आ जाएगा, और फाइनल में ये हो जाएगा 3-, ब्रेकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इक्वल 4 आपका उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4।
नोट कर लो जल्दी से, अगला सवाल आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं तुरंत ही, बस ध्यान से देखना। लिखे, चलिए ठीक है। एक बात याद रखिए, आज डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर का क्लास और जीरो लेवल का जो क्लास है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स ने देखा है जो ज्वाइन किए हुए हैं, और बाकी किसी को नहीं मिला हुआ है, इसको याद रखना। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना, पहले सवाल लिख दे रहे हैं, फिर आगे से हम हट जाएंगे, फिर इसको नोट करना आराम से, टेंशन मत लेना। ये देखिए, टू प्लस ये हो गया कोष्ठक, इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। इसका जो रियल स्वरूप होता है ऐसे कुछ होता है, इधर देखो, ये जल्दी से बनाने बनता है, कोशिश करेंगे तो आएगा, वरना ये बनेगा नहीं, बड़ा गड़बड़ है, ये ऐसे बनता है। देखो कई तरह का बन रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको अभ्यास करके बता रहा हूँ, ये देखो, ठीक ना, बात समझ में आई। आप इसको किसी भी तरह से अच्छी तरह से बना सकते हो, इसे मझला कोष्ठक बोलते हैं। अभी आप ट्राई करोगे कई बार तो ऐसा भी नहीं बनेगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया 5+, और अंदर में है 6+8/2, और कोष्ठक है बंद, फिर ये कोष्ठक है और फिर ये बंद है। चलो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 2+, यहाँ तक ऐसे आ जाओ पहले, ये 5+, पहले छोटा वाला कोष्ठक हल करेंगे, इसमें भाग भी दिया है जोड़ भी दिया है, तो क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल में पहले भाग होता है ना, जोड़ बाद में होता है, तो पहले भाग कर लोगे, तो ये हो जाएगा 6+, इसको भाग कर लो 4 हो जाएगा। अब हम 5 लाइन में नहीं हल करने वाले हैं, ऐसे कर देना, कोई टेंशन नहीं, सही है। अब ये हो जाएगा 2+, ये 5+, इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 6, 4, 10, ठीक ना। और फिर अगला का होगा भाई, का होगा ये अगला, ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में, एक लाइन और लिख देते हैं, काहे को टेंशन हो किसी को। और लास्ट में आपका 2+15 आएगा, और फाइनल में आ जाएगा 17, 1 7 7 3, जल्दी से नोट कर लो फट से, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और आगे करते हैं। हो गया ना इतना, जल्दी करिए, नोट करिए, हमने टाइम दे दिया आपको लिखने का, दोनों क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं बिंदास, एकदम अकेले से पड़े हैं। वीडियो को टच करके स्क्रीन पर रोक लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हो गया। वैसे आप लोग काफ़ी पढ़े हुए हैं, काफ़ी समझदार हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसे, डिजिटल इंडिया के सिटीजनशिप हैं, तो स्क्रीन शॉट लेना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ये सब तो आप लोग बचपन से जानते हैं, जो बच्चे बोलना नहीं जानते आजकल वो भी गेम खेलना जानते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन नोट करना, जल्दी से फटाफट करते जाओ, टाइम ना वेस्ट हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सवाल हो जाए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यार, ये थोड़ा कम चल रहा है क्या, कोई भी नंबर लिख लो यहाँ पर अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। 6- मझला कोष्ठक, पहले बड़ा कोष्ठक लगा है, 2 × 5- छोटा कोष्ठक, 2 × 6/2 कोष्ठक हो जाएंगे क्लोज। कोष्ठक तो यार जैसे ये जिंदा सांप बन जा रहा है, ठीक ना, बात समझ में आई ना। देखो यहाँ पर मतलब समझना, ये कोष्ठक कोष्ठक तो आप घर पे प्रैक्टिस करना, ऐसे ऐसे कभी कीड़ा बनेगा, कभी गोजर बनेगा, वो अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। ये अभी आप जाओगे घर पर, कोशिश करोगे तो वो बनने लगेगा, ये बार बार हम बनाएंगे नहीं, नहीं तो और आप लोग मज़ा लेंगे, इसको आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो हम आपको बताएंगे कैसे करना है, मुझसे नहीं बनता भाई, हो सकता आप लोग समझदार हो। तो ये क्या हो जाएगा, 6-, अब सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक हल करेंगे, यहाँ तक आएंगे, उसके पहले का जो भी चीज़ें हैं उनको ऐसे लिख लो, ये 2 × 5-, देखो पहले भाग करेंगे, जब आप 2 का भाग करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 का भाग 6 में करोगे 3 आएगा, ये हो गया है ना।
अगला लाइन में आ जाओ, 6 माइनस 2 का 5 में गुणा करोगे, अभी बाद में, अभी नहीं, इसको अंदर में गुणा करोगे 6 आएगा। देखो ये कोष्ठक खुल गया, 6 माइनस ये देखो क्या होगा, अब कोष्ठक मझला, इसके अंदर सारी प्रक्रियाएं होंगी, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6, ये हो जाएगा 6 माइनस, घटाओगे तो 4 आएगा, करके देख लेना, और फाइनल में इधर आगे कर लेना, 6 माइनस 4 आएगा, लास्ट में 2 आ जाएगा। जल्दी नोट करिए, अगला सवाल हम मिटाते हैं, उसके बाद इसको छापते रहना, जब उसको लगाएंगे तो टेंशन मत लेना। देखिए अगर आप हमारे साथ छापते जाएंगे तो आपको समझ में ना आएगा, इसलिए आप पहले सवाल को जब तक हम लगाएं तब तक ध्यानपूर्वक बोर्ड में देखें और लिखें नहीं, ठीक ना। इसके लिए हम लोगों को बहुत मार पड़ती थी पहले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब समझाया जाए तो केवल समझिए और लिखिए बाद में। कुछ लोग छापने के चक्कर में बहुत आगे रहते हैं और वो छापते ही रहते हैं लाइफ पर, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल ना करना। अगला एक बहुत बड़ा सवाल है यार, इसको लिखते समय मुझे अजीब सा लग रहा है, लिख लें, लगेगा बहुत बड़ा ये, लेकिन देखिए घबराना मत, आसान है। बड़ा कोष्ठक बंद 3+, मझला कोष्ठक बंद, यार ये मझला कोष्ठक तो मुझे को काफ़ी समस्या में कर देता है, और फिर 2/3, और ये मत सोचना कि अगर हमें नहीं ये बना रहा, अच्छे से नहीं बन रहा है तो आप भी मत बनाओ, इसको बहुत अच्छे से बनाना आप लोग। 2/3+3, और ये कोष्ठक हो जाएगा बंद, और ये 5/2, हाँ जी क्या है 2, अजीब सा बन जाएगा इसका माहौल, अभी देखना, ये जो 2 है ना यहीं पर ये 2 करता रहेगा। हो गया, आगे चलें, देखो मार्कर चल तो रहा है ना, कम तो नहीं दिख रहा है, क्वालिटी को चेंज कर लीजिए, एकदम बेस्ट दिखेगा। अब हम चलते हैं जहाँ हल करना वहाँ तक, ये 2/3+ इस कोष्ठक के अंदर आ जाओ, इसके अंदर आके घमासान मच जाएगा, और ये हो जाएगा 5/1/2, भाग का चिन्ह हट के गुणा का लग जाएगा, फिर क्या होगा, बस वही होगा जो आप जानते हैं, 3+, वहाँ तक फिर से चलेंगे। ये रियल में कोष्ठक बना, ऐसे बनना चाहिए, बन गया एक बार ना, और फिर ये 5/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, इसको कहीं हल कर लें क्या, नीचे हल कर सकते हो, नहीं मैं नीचे नहीं करूँगा, लेकिन यहीं पर आपको दिखाऊँगा, ये हो जाएगा 3+5/2, ये हो गया ठीक। अब आपको इसको जोड़ना है, 3 में जोड़ना है क्या, 5/2, कहीं भी जोड़ लो ऐसे करके, 3 में 5/2 जोड़ना है, ये जोड़ना आपको आता है, 2 × 6+5/2 11/2 आएगा, क्या आएगा 11/2 आएगा, जोड़ लो कहीं, भिन्नों का जोड़ना नहीं आता ना, तो जीरो लेवल मैथ क्लास कर लीजिए। कितना आएगा 11/2, कितना आया था 11/2 आया था ना, इसको चाहे तो एक बार आप कोष्ठक में लिख लो और, लेकिन उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। अब क्या करेंगे ज़रा सोचिए, इसमें भाग का भी चिन्ह लगा है और जोड़ का भी लगा है, बोर्ड मास रूल में पहले भाग होता है, जोड़ बाद में होता है, तो ये लिख लोगे ऐसे जैसे भी है, ये 2 हो जाएगा, गुणा का चिन्ह लग जाएगा, भाग का चिन्ह हट जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 1/3 /11/2, ठीक ना, कर लो। देखो ये कोष्ठक वगैरह बनाते जाना, भूलना मत, ये 3+, अब इसको आप जब गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना, ये लो मैं दिखाई देता हूँ, 2/3 / 11/2, यार ये मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ क्या, ये हो गया ठीक।
अब इसको आपको जोड़ लेना है, 2/3 में 11/2 जोड़ लेना है, तो ये इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, ये सवाल हो चुका है। देखिए लिखिए मत, पहले समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसमें क्या करेंगे बाद में, और एक बार आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, लास्ट में जब ये क्लास ख़त्म हो जाए तो वीडियो को एकदम पीछे करके एक तरफ से छाप लो ना, फिर दोबारा देख लो वीडियो, देखने में क्या जाता है, 3 बार देखो, 5 बार देखो, कुछ नहीं टेंशन। अगर नहीं मिलता है दोबारा से, वीडियो गायब हो जाता है, गायब होगा नहीं, जब ख़त्म होने वाला हो उसके थोड़ा पहले आप बैक कर लो, या फिर आप वैसे भी चैनल पर सर्च कर सकते हो। इसको दोनों को जोड़ लो, देखो अब हम जोड़ के आपको रखेंगे, 2/3 × 11/2, मतलब मान रखेंगे, आपको नहीं रखेंगे। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये 37/6 आएगा, कैसे आएगा, चूँकि इसको हमने इसके पहले किया था एक बार, ये देखो 2×2 = 4 हो जाएगा, और ये 11 × 3 = 33 हो जाएगा, और ये 4, 37/4 आया ना, भिन्नों का हल करना आपको आना चाहिए, बात समझ गए ना। तो देखो ये क्या आएगा, 37/4 हो जाएगा, 37/4 हो जाएगा, ये कोष्ठक बंद करना मत भूलना, यही तो लगा था ना। एक मिनट रुकना, यहाँ पर 6 आएगा, 6, सॉरी एक मिनट, देखो यहाँ 3 था ना, 3×2 = 6, क्या क्या था एक बार फिर से आपको दिखा दें, क्या 2/3 था ना, 2/3 था, 11/2 था, ये फिर से देख लो, ये 2×2 = 4, और ये 11 × 3 = 33, और ये 3×2 = 6 होता है, ये जो मैंने 4 बताया था, कभी कभी ऐसे मिस्टेक हो जाता बीच में, तो ये 37/6 आएगा, समझ गए ना। इसलिए कोई भी काम करने से पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक पहले समझ लेना चाहिए, और मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, इसको मैं खुद को बता रहा हूँ, 3 + ये 37/6, अब इसको हल कर लो, क्या हो जाएगा, 6×3 = 18, और प्लस ये 37/6, इसको जब आप हल करोगे, जोड़ लो प्यार से कहीं भी लिख करके, तो ये आएगा 7, 8, 15, 5, 81, 3, 1, 4, 1, 5, और ये 6, यानी कि 55/6 आएगा आंसर है, जल्दी से नोट कर लो, फट से छाप लो, हो गया इसका काम ख़त्म। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए ना, तो निसंकोच आप कमेंट करिए, ऊपर आपको नंबर दिख रहा है 9793488448, और इतना ही नहीं आपको बता दें कि आप हमें फेसबुक पर फॉलो करके फ्री क्लास कर सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग लगभग आप लोग कर लेते हो, और कोई इतना बच्चा नहीं हमारे समझ से, और जीरो लेवल मैथ की क्लास में, पहली दूसरी क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से बता दिया, जिन लोगों ने उसको देखा होगा उनको कोई टेंशन नहीं होगा। इसमें आपको यही सब सिखाना है कि 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 होगा, और अगर 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 होगा, ये तो उम्मीद करते हैं कि हर कोई कर लेता होगा, है ना, एकदम बेसिक वाली क्लास में हमने ये सब बता दिया है, जबकि ये DLED का सेकेंड सेमेस्टर में जोड़ घटाना गुणा भाग इस चैप्टर में है और शुरू से ही है। नहीं अगर आएगा कोई टेंशन होगा तो बता देना, आपको बता दिया जाएगा। हाँ, इसमें का गुणा और भाग का जो कुछ गड़बड़ वाला नियम है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो अटपटा सा नियम है आपको समझना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए जो संख्याओं का गुणा करने का सिस्टम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर किसी को पहाड़ा वाड़ा नहीं आता है तो भी वो कर सकता है। गुणा करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए महत्वपूर्ण, जैसे 20 का मल्टीपल करना 11 में, तो इसको आप ऐसा एक काम कर सकते हो, 20 गुणा इसको आप 10^1 में तोड़ सकते हो। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 0-0 वालों का गुणा करना बहुत आसान होता है। अब आप इसे हल कर लोगे बंटन नियम लगा के, 20×10 = 20×1, और ये हो जाएगा 200, और ये 20, और ये फाइनल में जोड़ दोगे तो 220 हो गया। बात समझ में आई कैसे हो गया ना, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बंटन नियम में होता है ना, बढ़ जाता है अलग अलग, और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अगर 100 का गुणा करना है 50 में तो ये बहुत ही आसान है, आप 1 का गुणा कर लो 5 में तो 5 हो जाएगा, बाकी जो 3 जीरो हैं इनके आगे लगा लो, ये उसके उत्तर हो गए। जितना ज़्यादा जीरो है उतना ज़्यादा आसान होता है, अगर इसका गुणा 100 में करना नहीं 1000 में करना है, कर लो 1000 में, 1 का 5 में कर लो 5 हो गया, बाकी 3 जीरो ये और 3 ये, 6 जीरो इसके बाद लिख लो, ये हो गया आपका उत्तर। बात समझ में आई ना,
तो ये सभी छोटे छोटे रूल हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो कि आप लोग कर ले जाओगे। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। वैसे आप में से अधिकतर सभी लोग जीरो लेवल की मैथ देखे हुए हैं, और जीरो लेवल की मैथ्स में हमने यही सब बताया हुआ है ना। तो जीरो लेवल की मैथ भी जो लोग कर लेते हैं वो DLED का लगभग आधा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसमें भी। इसके बाद क्या है, भाग वाला है। भाग में ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं है, भाग से संबंधित कुछ क्रियाएं आपको बताना है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप समझ लेना, बस 2 मिनट के अंदर सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। PBR स्टडी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अवश्य लाइक और फॉलो करें, जिससे आप 60% तक पेड वाली क्लास को फ्री पाएँ। बस आपको सर्च करना है PBR स्टडी लिख करके, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर, ट्विटर पर भी आप इसे सर्च कर सकते हो। देखिए इसमें जो दो रूल महत्वपूर्ण हैं उनको ध्यान से देखना। भाग की क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तथ्य नंबर एक है कि किसी भी परिमेय संख्या को या फिर किसी पूर्णांक संख्या को किसी दूसरे पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या से भाग करने पर परिमेय संख्या अर्थात पूर्णांक संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपूर्णांक संख्या भी प्राप्त हो सकती है। देखो पूर्णांक और अपूर्णांक मतलब जान रहे हो, जैसे अगर 3 लिखा तो ये पूर्णांक है, अगर 0.3 लिखा तो ये अपूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। ठीक, तो किसी भी संख्या को, पूर्णांक संख्या को जैसे 8 है, उसे उससे छोटी किसी पूर्णांक संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पूर्णांक संख्या भी मिल सकती है और अपूर्णांक संख्या भी मिल सकती है। ये पहला नियम इसमें दिया गया है, ठीक ना, बात समझ रहे हैं। और दिया ही नहीं गया है, मैं आपको सीधे करके भी दिखा रहा हूँ, भाग करके देख लो, ठीक ना, बात समझ में आई ना। इसको लिखने देखने से कोई मतलब नहीं है, आप भाग करके देख लीजिए। ये देखो 0.6 कैसे आता है, मैं आपको दिखा दूँ, इधर ध्यान देना। ये 3 है ना, इसमें भाग कर लो 5 से, ऊपर दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ 0 उतार लोगे, अब कितनी बार जाएगा 5 का भाग, 6 बार जाएगा, है ना, 5 6 30, ये आ गया 0.6 ना, इसका मतलब 0.6 ही होता है। 0 चाहे अगर लगा लो या ना लगाओ उसका कोई मतलब नहीं होता है, लगाया जाता है ये, उसका रीज़न क्या है मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया है कि पहले 0 बार आप ले जाते हो, बाद में पॉइंट बढ़ाते हो, है ना। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल देखिए, भाग घटाव की क्रिया की पुनरावृत्ति है। देखिए इसको मतलब समझ लो, बाकी हमारे समझ से कहीं पूछा नहीं जाता है। जैसे अगर हमें क्या करना है, भाग करना है, 15 में 5 का भाग करना तो 3 आता है ना, 15 में 5 का भाग करने पर 3 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 15 में से इस संख्या को यानी 5 को अगर आप 3 बार घटा दो, ये लो 3 बार घटा दो इसको, तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आई ना, इस तरह से हर एक संख्या पर लागू होता है। मतलब जिससे आपने भाग किया है उसी संख्या को, और जितना भागफल आया उतना बार घटा दो तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन कब आएगा 0, जब कोई शेषफल ना बचे भाग देने पर, तब जैसे 5 से काटते हो 15 तो 3 आ जाता है, शेषफल 0 हो जाता है ऐसी स्थिति में, ठीक ना। ये भाग की क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपको जानने चाहिए अच्छी से मैथ सीखने के लिए। इसको नोट कर लेना जिसको जिसको लिखना है, ठीक ना। आगे चलें, आगे देखना, अगला इसमें फैक्ट जो है वो क्या है। देखिए फैक्ट कुछ भी दिया, मैं आपको समझा के बताऊंगा कैसे और क्यों, ध्यान देना। 0 को किसी संख्या से घटाने पर 0 को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ये एक कंडीशन है। 0 को किसी भी संख्या से घटाओगे तो 0 नहीं आएगा कभी, मतलब सॉरी 0 मतलब 0 ही। जैसे अगर 5 में से 0 घटा लो तो क्या आएगा, 5 आएगा, फिर से 0 घटा लो फिर 5 आएगा, फिर से 0 घटा लो 5 आएगा, 0 घटा लो 5 आएगा, चाहे दिन रात घटाते रहो हमेशा क्या आएगा, वही संख्या आएगी, कभी भी 0 नहीं आएगा। ये मत सोचना कि 0 आ जाए। जैसे अभी इधर देखो मैंने किया था क्या, 15 से 5 घटाया था, 10 आया, फिर 5 घटाया, फिर 5 आया, फिर 5 घटाया, लास्ट में 0 आया था ना। तो अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि 0 में भी ऐसा लागू होता है, तो 0 पर ये ऐसा रूल लागू नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं आएगा। बात समझ गए ना, तो क्या करेंगे, चलो आगे चलते हैं। अगला फैक्ट क्या कह रहा है कि भाग क्रिया गुणा के विपरीत ही क्रिया है। हाँ बिल्कुल, इसको तो हर कोई जानता है, नोट कर लेना हेडिंगों को। भाग जो है वो गुणा के विपरीत ही प्रक्रिया है। जैसे अगर हमें 12 में क्या करना है, भाग करना है किससे, 3 से, तो आप जानते हो 4 आएगा ना, 4 आएगा। अगर हमें 12 में क्या करना है, भाग करना था किससे, 3 से, 3 का मतलब क्या, 3/1 है ना, मतलब यही।
तो गुड़ा क्या है उसका, कह रहा है कि गुड़ा उसकी विपरीत क्रिया है। आप गुड़ा लगा के इसको विपरीत कर दो, 1/3 काट दोगे तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरह से यहाँ ये सिद्ध होता है कि भाग जो है वो गुड़ा की ही विपरीत प्रक्रिया है। अगला फैक्ट देखना, अगला फैक्ट कह रहा है जब किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल क्या आता है, 1 आता है। ये सभी जानते हैं लेकिन यहाँ पर आपको याद दिलाना ज़रूरी है, जब किसी भी पूर्ण संख्या को आप भाग करोगे उसी संख्या से तो भागफल हमेशा 1 आता है। अरे जी वही बात मैं बोल रहा हूँ, जैसे अगर आप 3 को 3 से भाग करो तो 3 × 3 आता है, अगर आपने 19 का भाग किया 19 में तो क्या आएगा, 19 × 19 आएगा। बात समझ में आई? तो यही होता है बस, बाकी और कुछ नहीं ज़्यादा। इतना बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गया आपका अगला फैक्ट हो गया। फैक्ट नंबर आपका 5वां क्या आएगा उसको भी ध्यान से देख लेना। 5वां बाकी कोई ऐसा फैक्ट दिया नहीं है। हाँ कुछ सवाल आपको इसमें करवा देते हैं, भाज्य बराबर वो कौन सा भाजक भागफल वाला, लेकिन इसको आप अगली क्लास में कर लेना। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ध्यान देना बस थोड़ा सा। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इसका, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। साथियों इसको कर लेना आप लोग। देखो मैंने 21 में भाग किया इसका, ये सही तरीका भाग करने का, एक बार में नहीं ले जाओ क्योंकि 2 × 20 हो गया, ये तरीका गलत होता है हल करने का। 9 बार ही जा सकता है, 10 बार नहीं जाता है, ठीक ना, एक ही अंक जाएगा ऊपर। तो ये करके देख लो, भाजक इसमें 2 है, भागफल 10 है और शेषफल 1 है। नहीं समझ में आया जीरो लेवल की मैथ देख लेना, ये सब क्या होता है, भाज्य भाजक भागफल क्या होता है। वैसे पहली दूसरी क्लास में, आज ये 7वीं क्लास है ना इसकी, दूसरी क्लास में हमने ये सब बहुत विस्तार से बताया था, नहीं देखा तो उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप नंबर पर संपर्क करना, क्लास को ज्वाइन करके देख लेना फटाफट। तो साथियों आज के लिए इतना ही, लेकिन थोड़ा सा रुकना अभी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर PVR स्टडी को फॉलो करना ना भूलना। देखिए साथियों जिन लोगों को ये क्लास अच्छी लगी और वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कृपया निम्नलिखित जानकारियों को नोट कर लीजिए, जिनको नहीं अच्छी लगी वो बिल्कुल ना करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखें, जो मिले देखते रहें। मात्र 549 रुपये में आप DL Ed सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड फोर्थ कोई भी सेमेस्टर का आप एक सेमेस्टर की मैथ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे। व्हाट्सएप नंबर दिया गया, फ़ोनपे और गूगल पे का नंबर यही है, इस पर आप पेमेंट करके रसीद इसी नंबर पर भेज दें व्हाट्सएप पर, आपकी क्लास शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। कोई बहाफ नहीं करना, कोई झिकझिक नहीं करना, कोई तकरार नहीं करना है, कोई इंक्वायरी नहीं करना है, ठीक है। आपको व्हाट्सएप पे सारी क्लासें मिलेंगी, जब आप पेमेंट करके रसीद भेज देंगे तुरंत आपके बिना कहे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। व्हाट्सएप पे सारे लिंक मिलेंगे एक तरफ से, आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आप पढ़ पाएंगे। तो अगर अच्छा लगे तो कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर चलते रहिए, जो उसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना जिससे फ्री वाली क्लास आप देख सको। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। चलते चलते याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुक्रिया।